भी बनाएंगे और विदेशी भाषा से बहुत प्रभावित हो गए। आज हर माता पिता ये सोचता है कि उसके बच्चे को कुछ आए ना आए पर अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले को एक दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा लगता है कि हिंदी बीमार है। तो आइए देखते हैं एक नुक्कड़ नाटक। ये जगह तो तेलुगु वालों की है, यहाँ पर भी नहीं बैठने
मर्ची मर्ची ले लो मर्ची सुना कभी मर्ची ले जाओ ये तुम्हें की बोल ची ना ना मम्मी इतनी जाने ना थे खेती करो अनाज उगाओ बेचो खाओ और सो जाओ ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गया। आज इंटरव्यू देने गया था अधिहाती बोलकर भगा दिया कहने लगे अंग्रेजी सीख कर आओ। हम बोले ये भाषा में क्या दिक्कत है तो मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया बेइज्जती गजब बेइज्जती। क्या इस देश में किसी आदमी की काबिलियत सिर्फ एक भाषा से आकी जाती है मतलब ज्ञान हो ना हो अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉकिंग इंग्लिश वॉकिंग इंग्लिश का कभी काश अंग्रेजी सीख लिए होते तो सुकून से जीते। और इसे कमजोर नहीं होने देना है और ये किसकी जिम्मेदारी है।